सब्सक्राइब कीजिए टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्ट्यूबर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास इंटरनेट का केबल कनेक्शन है और घर में राउटर वगैरह लगा हुआ है और उस राउटर में आपको मालूम है इस तरह का RJ45 का कनेक्टर लगता है, ऐसा कनेक्टर यूज़ होता है, तो आप इस कनेक्टर को अपने आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कुछ टाइम के बाद ये कनेक्टर काम नहीं करता है सही से और इसे रिमूव करके दूसरा लगाना पड़ता है। और इस तरह की आपको Cat5 केबल होगी आपके घर में राउटर के आप पास आई होगी, और अगर Cat5 होगी या फिर आपके पास ऐसी Cat6 केबल होगी, तो इन दोनों केबल के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और ये टूल है, इसका क्रिम्पिंग टूल है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने मंगा लिया है और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इस क्रिम्पिंग टूल को यूज़ करके आप इस अडेप्टर को आगे कनेक्टर जो है इसका, इसको आप वायर पे लगा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आगाज़ करते हैं और आपको हम बताते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इसको ऐसे सिंपली खोल लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का ये टूल है, क्रिम्पिंग टूल, और साथ में ये आपको वायर काटने के लिए ये इस तरह का ब्लेड मिलता है, इसमें ब्लेड लगा हुआ है, इससे आप वायर काट सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इन दोनों इक्विपमेंट्स को यूज़ करके इसको आप अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख लीजिए, ये इस तरह का आप इसको क्रिम्पिंग टूल कह लीजिए या कोई भी इक्विपमेंट कह लीजिए, वैसे क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपका कनेक्टर लगता है, जिस तरह से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं और पंच करेंगे। यहाँ से ऐसे लगाने के बाद पंच करने से पहले आपको क्या करना है, वायर को छील लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे इस क्रिम्पिंग टूल में यहाँ पे आपको ब्लेड दिया गया है, इसका भी मैं यूज़ बताऊँगा किस तरह से इसे यूज़ करना है। और एक बीच में आपको ब्लेड दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे इस पोजीशन पे, ये ब्लेड क्या काम करता है, इस वायर को काटने में आपको हेल्प करता है। ऐसे करके इसको आप घुमाएंगे तो ये वायर कटेगी, लेकिन हम इस ब्लेड का नहीं यूज़ करेंगे, साथ में जो हैंडी इक्विपमेंट मिलता है इसका हम यूज़ करेंगे वायर को काटने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ, Cat5 वायर है ये और ये Cat6 वायर है, दोनों ही मेरे पास अवेलेबल हैं। ये Cat6 वायर का मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर और ये Cat5 के अंदर क्या है, ये आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ। सबसे पहले आप इसको लीजिए इस तरह से, और सबसे बड़े वाले इधर आपको छेद दिखेगा, ये वायर का छेद है, नापने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन आपको काटना है तो इधर से आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर जो सबसे बड़ा वाला आपको कट मिलेगा उसमें आपको वायर को डालना है, ये वाली वायर, और ऐसे आप इसको ऐसे ज़रा से दबाएंगे और यहाँ से आप इसको रोटेट करेंगे तो ये अपने आप कट जाएगी। थोड़ी सी पतली तार है तो आप थोड़ा आगे बढ़ा के चेक कर सकते हैं कि तार कट रही है या नहीं कट रही है। ये देखिए, ये ऐसे ब्लेड लगा दिया, ये आपका वायर निकल आया बड़े आराम से, कुछ भी आपको इसमें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरह के कटर को यूज़ करेंगे तो आप बैठे ही रह जाएंगे और वायर आपकी बहुत पतली पतली वायर होती हैं, इसके अंदर 8 तारें होती हैं और वायर भी आपकी कट जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, चलेगा नहीं। तो ये आप देखेंगे Cat5 के अंदर आपको पेयर मिलेंगे, 8 पेयर, आप पेयर देख लीजिए, एक पेयर आपको ये मिलता है, एक पेयर आपको ये मिलता है और एक पेयर यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए ये 4 पेयर आपको मिलते हैं। और ये वाइट कलर की एक सपोर्टिंग कह सकते हैं आप इसको, कॉटन है सपोर्ट करने के लिए वायर को, इसका कोई काम नहीं है, ऐसे पेयर आपको Cat5 में मिल जाते हैं। अब इसी तरह से आप इस वायर को देखेंगे, Cat6 है ये थोड़ी मोटी तार है तो आप इसको बड़े छेद में लगाएं। सबसे पहले तो आगे से इसको हम बराबर कर लेते हैं क्योंकि आगे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए आपको इस तरह के कटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये कटर आप बहुत ही आसानी से कहीं भी इलेक्ट्रिकल शॉप से ले सकते हैं। तो ऐसे आपने इसको काट लिया, काटने के बाद इसी में सिंपल आप जाएँ, 1 इंच के आसपास आप इसको रखें एडजस्ट करके उसी सबसे बड़े वाले छेद पे, और आप इसको 2-3 बार रोटेट करेंगे और आपका वायर छिल जाएगा बड़े आराम से। ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। इसमें भी आपको 8 पेयर मिलते हैं, 4 पेयर मिलते हैं, 8 तारे होती हैं, ये 4 पेयर आपको मिल गए। साथ में आपको एक बीच में देखेंगे प्लास्टिक मिलता है, ये देखिए आप, ये सपोर्टिंग प्लास्टिक है और ख़ास एक और यूज़ है इस प्लास्टिक का, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये आपको एक सपोर्ट प्लास्टिक मिलता है। इस प्लास्टिक का बेसिकली यूज़ ये है कि क्योंकि इसके जो ट्विस्ट होते हैं वायर के, ये बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं आपस में हर पेयर, और हर पेयर को सेपरेट रखने के लिए इस तरह के प्लास्टिक को अंदर डाला गया है। आप देखेंगे इस प्लास्टिक के अंदर 4 पार्टीशन है, आप देख सकते हैं 4 पार्टीशन आपको मिलेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जो नेटवर्किंग की जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस पर
लॉन्ग डिस्टेंस पे इस केबल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र जो है इस केबल के अंदर नहीं कम होता है, इस केबल के अंदर डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इसका भी काम डेटा इंटरनेट चलाने का है, इसका भी इंटरनेट चलाने का है। ठीक है, ये बात हो गई साइड में। अब हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से ये कनेक्शंस आपको करने हैं। तो कनेक्शंस करने के लिए सबसे पहले तो ये आपको जो ये दिया गया है कॉटन, इसको काट लीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आपने हटा लिया। यहाँ पे एक सीरीज़ होती है, उस सीरीज़ का कोड मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आप साइड में देखेंगे फ़ोटो, इस फ़ोटो में आपको सेम सीरीज़ को फॉलो करना है। हम थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ज़ूम करके आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको हर कलर दिखेगा, यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज का एक आपको नेगेटिव दिखेगा, तो स्टार्टिंग में आपको ऑरेंज का नेगेटिव रखना है कनेक्शन करने टाइम, ऑरेंज का नेगेटिव, फिर ऑरेंज, ये देखिए आप ऑरेंज का नेगेटिव, फिर ऑरेंज रखना है, फिर आपको ग्रीन का नेगेटिव रखना है, मतलब जिसमें पतली सी तार होगी वो आपको दिख जाएगा इसमें, ये ग्रीन का नेगेटिव है, इसको इस तरह से रखिए जाके, यहाँ पे आ गया ग्रीन का नेगेटिव। उसके बाद आपका आ जाएगा ब्लू, आप फोटो में भी देख पाएंगे उसी तरह से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, फिर ब्लू का नेगेटिव वायर, आप देखते रहिए, मैं आपको अभी सेट करके दिखा भी दूंगा और फोटो में भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्योर ग्रीन तार आ जाएगी, प्योर ग्रीन आपने लगा ली, उसके बाद यहाँ पे आपका चॉकलेट कलर का जो तार है उसका नेगेटिव आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपका, एक मिनट इसको पीछे से ले लेते हैं, लास्ट में आपका चॉकलेट कलर का वायर आ जाता है। तो ये पूरी एक सीरीज़ है, कोड है, इसी को आपको फॉलो करना है। हालांकि आप कोई भी तार कहीं भी लगा देंगे आपका चल जाएगा, लेकिन एक जो तरीका है नेटवर्किंग में वायर को, इस कनेक्शन को करने का, वो एक कोड बनाया गया है, उसको ही फॉलो करना होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये हमने बना दिया, फ़ोटो में भी आप देखेंगे उसी तरह से आपको भी ऐसे बनाना रहता है। और उसके बाद आपको चेक कर लेना है जो आपका कनेक्टर है उसके अंदर जो आपके वायर जाएंगे उसका डिस्टेंस बिल्कुल ठीक आ जाए, ज़्यादा तार भी ना छीलना पड़े, ज़्यादा तार भी ना छीलना पड़े, और आपका काम भी पूरा हो जाए, ये आपको देख लेना है। तो हमारे हिसाब से ये प्रॉपर काम करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, आगे से बड़े छोटे हैं तार, तो बराबर करने के लिए ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो ब्लेड लगा हुआ है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर रखा हमने, ये देखिए, और बिल्कुल आगे से हमने टिप के ऊपर रख दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में दिख रहा होगा, ये टिप के हमने ऊपर रखा और इसको दबा देंगे, तो ये सारे तार कट जाएंगे, देखा आपने, ये कट गए। कटने के बाद बिल्कुल फ्रेश आपको ये एक सीध में दिखेंगे और आप इसको आसानी से लगा सकते हैं अब इसके कनेक्टर में। ये RJ45 कनेक्टर है, सिंपली आपको इसके अंदर करना है, बराबर कर लीजिए तार को, और इस कनेक्टर में थोड़ा एहतियात से आप लगाएंगे तो आसानी से आपकी तारें लग जाएंगी। आपको इसके अंदर लेके जाना है, हल्का सा आप हिलाएंगे तो देखेंगे कितने आराम से ये वायर्स अंदर चली गई हैं, ये देखिए पूरा अंदर तक चली गई हैं, आगे तक आप देख सकते हैं, आगे भी चेक कर लीजिए, आगे टिप तक सब आ गए हैं, बैक में भी चेक कर लीजिए, दबा के रखिए, बैक में भी चेक कर लीजिए कि पीछे आपका पूरे तार दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपको सेंटर में कर लेना है इस तार को, ताकि जब इसको हम पंच करेंगे तो प्लास्टिक जो बीच में लगा हुआ है वो इस तार को दबा देगा और हमारी वायर पूरी सेट हो जाएंगी अंदर। इसके लिए आपको इस क्रिम्पिंग के अंदर इसको डालना है, यहाँ बीच वाले पॉइंट में ऐसे डालेंगे तो आगे सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में आपकी उंगली ना हो, नहीं तो आपकी उंगली कट जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। सिंपली इस वायर को बीच में रखिए और आपको इसको दबाना है, एक आवाज़ आएगी क्लिपिंग की, और इसको 2-3 बार आप आगे पीछे करेंगे, ऐसे आगे पीछे करेंगे तो एक पंच हो जाएंगी, सारी तारें अंदर सेट हो जाएंगी, ये आप देख पाएंगे, ये देखिए ये सब तारें अंदर सेट हो जाएंगी। और दोबारा आप इसको अब निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल आपका कनेक्टर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आपको जो भी लेंथ रखनी है लास्ट वाले एंड पे भी, इसी तरह से आप इसी सीरीज़ को फॉलो करें, जो कोड हमने यहाँ लगाए हैं उसी सीरीज़ को आपको फॉलो करना है, और यहाँ पर भी उसी तरह से आपको इसको अटैच कर लेना है, तो ये आपका कनेक्शन तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप अपने ही आप से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप खुद भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और ये वायर वगैरह जो मैंने आपको दिखाई हैं, आगे और भी ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं,
तो बेसिकली ये तार वगैरह हमने मंगाई थी, कैमरा का सेटअप किया था अपने ऑफिस में, अपनी शॉप में, अपने पूरे घर में पूरा कैमरे की वायरिंग की थी, हमने खुद की है अपने हाथों से मैंने की है। तो ये कैट 6 वायर को मैंने यूज़ किया उस वायरिंग में, क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रैवल होता है बहुत बढ़िया होता है। पूरा बंडल है, ये मेरे पास पूरा बंडल है बहुत बड़ा, 100 मीटर का मंगाया था, तो ये काफ़ी वायर अभी बचा हुआ है। तो सोचा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्मिक के CP प्लस के कैमरे के बॉक्स भी रखे हुए हैं। ये सारी मैंने इंस्टॉलेशन की है अपने हाउस में और अपने ऑफिस में। ये डोम कैमरा है आउटडोर का और ये इनडोर का कैमरा है। तो इसके भी इंस्टॉलेशन वगैरह आने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डीप की नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप उससे कुछ सीख पाएंगे। कैमरे की इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखें आप, ये कैमरे की वायर है, ये कैमरे की वायर है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और ये कैमरे का BNC कनेक्टर है, ठीक है, और ये कैमरे का DC कनेक्टर है, और ये भी कैमरे का DC कनेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। इस वायर के कनेक्शंस कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैमरा में कैसे कनेक्शंस होते हैं ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और ये जो क्रिम्पिंग टूल है ये बेसिकली आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बेस्ट लिंक भी दे देंगे। 200 से लेके 300 के बीच में इसके रेट वेरी होते रहते हैं। ये कटर इसके साथ आता है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे भी मिल जाएगा अराउंड 50 रुपीज़ के अंडर में भी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको हम दे देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपके काम आती है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आके देने वाले हैं। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।